हेलो स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग मास ऑफ मासन टू दाइनस टू के जी कैरीज अ चार्ज ऑफ फाइव इन टू द पावर टेन द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द पावर मीटर पर सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी टू कीप द पार्टिकल मूव विद इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज नेसेसरी दैट शॉर्ट में बात बताता हूँ आपको एक चार्ज पार्टिकल जो कि हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन उसको प्रोजेक्ट किया गया है उस पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है चार्ज गिवन है उसका फाइव इंटू टू थोर माइनस एट किलो तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आपने ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है ठीक है टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो आपने हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट किया है और वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने चाहिए ये हमारे फोर ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कुछ सही है कुछ गलत है वो हमको फाइंड करने हैं तो मास

जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट केस में, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन नाइनटी तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये कैसा ट्रि पाथ फॉलो करने लगेगा सर्कुलर पाथ फॉलो करने लगेगा सर्कुलर ट्रेजिक्ट्री आ जाएगी इसी गोल घूमने लगेगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन तो करेगा ही नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो गया सीधा सीधा आते हैं सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यानी कि तीनों वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी इधर वेलोसिटी भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं चेंज होगा फिर अभी मैंने आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं ना मैंने आपको भी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू वी बी साइन थिएटा अब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में तो एंगल जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी फोर्स नहीं लगाएगी तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो 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 हो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अब पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी अगर ये चार्ज मैंने यहाँ पर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी इसको इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को लेकिन नहीं हमारा सही है। तो ने बोला ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पार्टिकल डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में चलेगा चेंज नहीं होगी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थर्ड पॉइंट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट कह रहा है हमारा

और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ तो बाहर की तरफ स्क्रीन के बाहर तो थम कहाँ पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है था हमारा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो पार्टिकल हॉरिजोंटल चलता रहेगा स्पीड चेंज नहीं है डायरेक्शन चेंज नहीं होगी हॉरिजोंटल मूव करता रहेगा ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा दैट्स इट तो ये भी हमारा पॉइंट जो है सही हो गया अब बात करते हैं फोर्थ की बी शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ विलॉसिटी एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विलॉसिटी तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड विलॉसिटी की डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों के परपेंडिकुलर हो तो अब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी क्यों नहीं लगाएगी यहाँ फॉर्मूले से चेक कर लेंगे दोनों विलॉसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स ने तो कोई काम नहीं किया अब बात करूं मैं इलेक्ट्रिक <coughs> फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ है ना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजोंटल ना जाने के बजाय ये कुछ ऊपर जाने लगेगा तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा तो राइट right जो हमारे ऑप्शन होंगे वो हमारे ऑप्शन जाएंगे टू और थ्री तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तो केवल इन दोनों केसेस में ही वो हॉरिजोंटली मूव करता रहेगा बाकी में नहीं थैंक यू फॉर वॉचिंग